असम के स्टूडेंट CS614 डाटा वेयर हाउसिंग की फर्स्ट असाइनमेंट है। स्प्रिंग 2024 की 20 मार्च की असाइनमेंट है। 29 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है और आपने ये इन लाइन इसको सबमिट करवाना है। HTML है या इमेजेस हैं या प्लेन टेक्स्ट है या कोई टेबल है, उसको आपने इन लाइन जमा कराना है। ये MS वर्ड में आपने ये फाइल नहीं अपलोड करनी। तो नेक्स्ट जो है उससे पहले, अच्छा स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है। तो इसमें आपने अप्लाई करना है नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स को डेटाबेस टेबल्स में। ये पहला टेबल गिवन दिया हुआ है, स्टाफ टेबल का नाम है, स्टाफ ब्रांच के नाम से ये टेबल इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें स्टाफ नेम है, नंबर है, नेम है, पोजीशन, सैलरी, ब्रांच नंबर, ब्रांच एड्रेस, टेलीफोन नंबर। अब इस ये उन्होंने पूछा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द नॉर्मलाइजेशन फॉर्म NF ऑफ द गिवन टेबल, यानी कि ये जो टेबल है ना वो पूछ रहा है कि ये किस नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर है। तो ये जो टेबल है ये इस वक्त फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन 1NF के अंदर है, यानी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर है। और फिर कह रहे हैं आल्सो ट्रांसफॉर्म द गिवन टेबल इंटू थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 3NF में, इसे कन्वर्ट करना है एंड प्रोवाइड द रिजल्टेंट टेबल, यानी कि इस फर्स्ट 1NF को 3NF में कन्वर्ट करना है और रिजल्टेंट टेबल जो हैं वो होंगे ना आपने वो इन लाइन में वो सबमिट करवाने हैं। तो नोट ये लिखा हुआ है कि टू कन्वर्ट इन 3NF फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इट इन 2NF, यानी कि 3NF में कन्वर्ट करने से पहले आपको इसको 1NF को पहले 2 में कन्वर्ट करने को पड़ेगा, फिर आपको ये 3NF में कन्वर्ट होगा एंड रिजल्टेंट टेबल्स जो होंगे 3NF के। अच्छा इसको सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये हैंडआउट से दिखा दूँ, पेज 43 है हैंडआउट का। ये इसमें एक डेटाबेस 1NF में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें SID है, डिग्री है, कैंपस है, कोर्स है, मार्क्स हैं। ये 1NF में टेबल दिया हुआ है। अब इसको उन्होंने आगे देखें 2NF में कैसे कन्वर्ट किया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये वो जो टेबल था SID डिग्री, कैंपस, कोर्स और मार्क्स को उन्होंने एक टेबल के दो टेबल बना दिए। एक टेबल को उन्होंने रजिस्ट्रेशन का नाम दे दिया, इसमें SID ले लिए, डिग्री ले लिए, कैंपस ले लिए, और दूसरे टेबल में SID, कोर्स और मार्क्स ले लिए, यानी कि एक टेबल से उन्होंने दो टेबल बना लिए। ये होगी 2NF फॉर्म हो गई इसकी। अब इसकी आगे इन दो टेबल से 3NF फॉर्म बनेगी। अच्छा देखें ये जो परफॉर्मेंस वाला टेबल है ना ये 2NF बनाई है, लेकिन ये ऑलरेडी 3NF में है, इससे ज़्यादा इसकी 3NF नहीं बन सकती। तो ये एज इट इज़ रहेगा परफॉर्मेंस का टेबल। तो ये जो रजिस्ट्रेशन का टेबल है इसकी आगे 3NF बन जाएगी। कैसे बनेगी? इस्लामाबाद इस्लामाबाद दो जगह एक जगह आ जाएगा, लाहौर लाहौर दो जगह एक जगह आ जाएगा। इसकी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखें ये देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, ये 3NF में रजिस्ट्रेशन का जो टेबल था उसको, ये वाला जो टेबल, इसको आगे ये 3NF में इसके आगे मज़ीद दो टेबल बना दिए हैं। ये 3NF में दो टेबल बन गए हैं। एक टेबल में उन्होंने SID ले लिया और कैंपस ले लिया, दूसरे में कैंपस ले लिया, डिग्री ले लिया, इसको नाम दे दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर कैंपस का, इसको नाम दे दिया कैंपस अंडरस्कोर डिग्री का। इस तरह से बनानी है। तो आप चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे ना आबिद भुट्टा और टैक्स वालो साफ्ट वालों ने अपनी जो वीडियो अपलोड की है उसमें ये पहले क्वेश्चन का आंसर ना उन्होंने मिसिंग गलती की है थोड़ी सी। मैं आपको बता देता हूँ क्या गलती की है। अब देखें ये जो एक टेबल है ना इससे दो टेबल बनेंगे, स्टाफ नंबर, नेम, पोजिशन, सैलरी का एक टेबल बनेगा, दूसरा टेबल बनेगा ब्रांच नंबर, ब्रांच एड्रेस और टेलीफोन नंबर का। तो इसकी सेकेंड एंड फॉर्म मैं आपको बताता हूँ कि वो ये है। सबसे पहले तो आंसर तो आपने लिखना है कि जो गिवन टेबल है वो 1NF में है। ये इसमें एक रिक्वायर आंसर में उस क्वेश्चन में पूछा था। दूसरा ये है, ये पहले जो 2NF में बना रहे हैं टेबल, अब ये पहले टेबल दो टेबल बना लिए, एक स्टाफ का बना लिया, स्टाफ नेम, नेम, पोजीशन, सैलरी का बना लिया है, दूसरा टेबल ब्रांच का बना लिया, ब्रांच नंबर, ब्रांच एड्रेस, टेलीफोन नंबर। ये जो 2NF के टेबल हैं ये आपने अपने असाइनमेंट इंटरफेस में अपलोड नहीं करने, आपने 3NF वाले टेबल एंड जो जिसे रिजल्टेंट टेबल कहते हैं वो आपने अपलोड किया। अब ये उनसे ब्रांच एड्रेस वाला जो था, ये देख रहे हैं ये जो 2NF में था ये ब्रांच, ठीक है, इसके 3NF में इस तरह से बनाया है, ये ब्रांच टेबल 2NF में है, ये ब्रांच टेबल 3NF में है।
इसका ऐसे बनाया, देखेंगे दो जगह इस्लामाबाद का सेम एड्रेस है, सेम टेलीफोन नंबर है, सेम ब्रांच नंबर है। इसी तरह ये कराची का सेम एड्रेस है, सेम नंबर है, सेम उसकी ब्रांच नंबर है। तो इसको एक जगह कर लिए, यानी कि इस्लामाबाद का एक ही लिख लिए, कराची का एक लिख लिए, लाहौर का, पिंडी का। तो ये जो ब्रांच टेबल का 3NF टेबल है। अब आगे इसे इसके बाद जो दूसरा स्टाफ का जो टेबल था, उसके स्टाफ के टेबल के दो टेबल बना दिए हैं। एक तो स्टाफ नंबर, नेम और सैलरी का बना दिए, ये एक टेबल, और दूसरा पोजीशन। अब यहाँ पे देखें ना, ये जो इसमें था टेबल में, आपको मैं दिखाता हूँ, ये स्टाफ वाले में मैनेजर जो तीन जगह पे है। अब इस तीन जगह को एक जगह पे इकट्ठा करना होता है, यानी कि अब जैसे हमने एड्रेस वाले में किया है कि इस्लामाबाद को एक जगह कर लिया, कराची को एक जगह कर लिया, दो जगह था, तो ये 3NF में ये एड्रेस का इस तरह कर लिया। अब इसी तरह से ये एक तो हो गया सैलरी का बना लिया, दूसरा जो मैनेजर, असिस्टेंट और सुपरवाइज़र, इनके आगे एक टेबल बना लिया है, ये इनके नेम्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये बनाएगा ये 3NF। तो आपने 3NF में ये तीन टेबल इस तरह से सबमिट करने हैं, ये 1, 2, 3 टेबल्स। अच्छा, वो ज़ुबैर साहब टैक्सोलो वाले और आबद भुट्टा ने ये किया, उनसे ये उन्होंने ये ब्रांच का टेबल तो ठीक बना लिया, लेकिन ये जो स्टाफ का बनाया ना, स्टाफ के आगे एक कॉलम बना के उसमें ब्रांच नंबर लिख दिया है, उसका कोई वहाँ पे लॉजिक या टुक नहीं है, वो ना ही हैंडआउट में है, वो इस तरह से वो, यानी कि उसकी लॉजिक नहीं बनती, ना ही वो टेक्निकली ठीक है, ठीक है, ये मैंने बताना था। आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ये कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर एंड ऑर्डर टेबल्स। 10 मार्क्स का है, ये दो टेबल दिए हैं, कस्टमर और ऑर्डर, इनमें 1-to-many की रिलेशनशिप है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछले 2-3 साल से आ रहा है, पिछले साल भी था, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं हेडर साइज में और रिकॉर्ड्स में। तो ये सेम उसी तरह का है, ये देख लें, ये गिवन था हमारे पास कस्टमर टेबल 60 बाइट, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कस्टमर टेबल में 70,000, और हेडर साइज जो था ऑर्डर टेबल का 70 बाइट्स था, नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो थे ऑर्डर टेबल में 5 लाख थे। तो सपोज यू हैव टू, अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये इस तरह से रिजल्टेंट बनेगा उसी सेम जो पिछले 2-3 साल से आ रहा है। तो ये हेडर ऑफ रिजल्टेंट डी नॉर्मलाइज टेबल में जो होगा, ये इसका देख लें, ये इसके थे 60 बाइट्स हेडर के कस्टमर के, और ऑर्डर के थे 70 बाइट, ऑर्डर के 70 बाइट, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, 7130-8 122 बाइट्स बन गए। फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डी नॉर्मलाइज टेबल में थे, ये 50 लाख थे। तो साइज ऑफ डी नॉर्मलाइज टेबल जो है 122 into, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 61 और इंटू 10^7 आ जाएगा, ठीक है, ये बाइट्स आ जाएंगी इसकी। अब इन बाइट्स को हमने MB, GB और TB में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम पहले MB में कन्वर्ट करने के लिए 1000^2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये 610 MB आंसर आ जाएगा। फिर 610 MB को 1000 से डिवाइड कर दें तो 0.61 GB आ जाएगा। फिर 0.61 GB को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.00061 TB आ जाएगा आंसर। ये इसका आंसर है, तो ये आप देख लें, खुद बना सकते हैं, खुद बना लें, जिसे क्या कहते हैं ये सलूशन चाहिए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट इस ईमेल एड्रेस पे मेरे पे भेज दे, तो मैं उसे ना रिप्लाई में ये सलूशन सेंड कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।